लो, इसका दिमाग तो पलट गया। अरे तुम लोगों को तो अक्ल है कि नहीं? चार दिन हुए तुम्हारे शौहर को मरे हुए, इद्दत में औरतें जेवर नहीं पहनती, समझी तुम? क्या हो गया, चुप रहो। मैंने ये कहीं नहीं पढ़ा कि बेवा जेवर नहीं पहन सकती। अरे मेरी आलम फाजिल है, हमारे माशरे में बेवा औरत इद्दत में जेवर नहीं पहनती, बनाओ सिंगार नहीं करती, वरना खानदान वाले माशरे वाले दस दस तरह की बातें बनाते हैं कि इसको अपने मियाँ का गम ही नहीं है। चलो उतारो। लेकिन मेरे दिल का जख्म तो किसी को नहीं दिखा। अरे मेरी बच्ची, दिल के जख्म नजर नहीं आते, ये चमकते दमकते जेवर है ना, ये नजर आते। उतारो इसको, उतार दो, चलो जल्दी से उतारो। शाबाश, चुप करो तुम। अम्मी क्या कर रही है, लो ये लो बेटा, ये भी उतार दो सब। शाबाश, ये सब उतार के रखो, संभाल के इसके जेवर, समझ गई तुम? वो तो बच्ची है, उसे अक्कल नहीं है, तुम लोगों को तो अक्कल है। लाओ। वाह भाई वाह, अकलो शऊर कुछ तो होना चाहिए। चलो छोटों को नहीं है, बड़ों को तो पता है ना कि ये सब करना है। सुना बंद करो, जो कुछ भी हुआ वो किस्मत में लिखा था, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं तो सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। कितनी खुश थी मैं अपने घर में, एकदम ये सारी खुशियां कहां चली गई? वक्त हमेशा के लिए तो एक सा नहीं रहता ना, आज खुशियां चली गई हैं, कल लौट आएंगी। और या फरुख भाई चले गए हैं, लेकिन तुम्हारी बच्ची है ना तुम्हारे पास, अब उसकी खुशियां तुम्हारी खुशियां हैं। दुनिया में हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है, मगर शौहर की कमी कोई भी रिश्ते की मोहब्बत पूरी नहीं कर सकती। अब जो रिश्ता चला गया उसके बारे में सोचना बंद कर दो। मैंने तुम्हारा सामान कबर में रख दिया, संभाल लेना।